my fam, welcome back to my another video. I hope you guys are doing great. So today I have created this beautiful Durga Puja Ashtami makeup look. Ashtami 8th day is celebrated on 8th day, and the puja which is offered on this day is meant to prepare the goddess for the battle against Mahishasur. The famous Sandhi Puja which is offered on this day is performed when Ashtami ends and Navami begins. Interestingly, the last 24 minutes of Ashtami and the first 24 minutes of Navami are regarded as Sandhi Khan. And this is the moment when Ma Durga also killed Chanda and Munda, the two allies of Mahishasur who attacked her from behind. So guys, please watch the video till the end. And if you are new on my channel, so please take a moment and do subscribe to my channel and press the bell icon. So without any further delay, let's get started. तो गाइस सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं इसे टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं थोड़ा सा इसे पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी. इससे जो मेरा बेस है बहुत ही अच्छे से क्रिएट होगा. नेक्स्ट गाइस मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए एंड डार्क स्पॉट्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ क्रेयॉन लिपस्टिक. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 28 हनी राइडर. प्लीज़ गाइस मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर देना क्योंकि गला बहुत दिनों से ख़राब है. एंड ये जो वीडियो है ये मैं फर्स्ट नवरात्रि पे अपलोड करना चाह रही थी बट नहीं हो पाया क्योंकि गले में प्रॉब्लम जो थी उसकी वजह से. सो मेरे जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एंड देन एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस रेज फॉर कवरेज 24 आवर्स फाउंडेशन. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 27 नंबर. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है गाइस ये. मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी. एंड यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे लिया है ड्यूई सेटिंग स्प्रे एंड इसे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा स्प्रे करके उसके बाद मैं इसे अपना जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड करूँगी. इससे जो मेरा फाउंडेशन है बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. एंड आज के इस लुक में ट्विस्ट ये है कि आज मैं कंसीलर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ. आज मैं सिर्फ फाउंडेशन से ही अपना मेकअप कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि जो फाउंडेशन है ना फुल कवरेज फाउंडेशन है. तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं इसे अंडर आई एरिया पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. देन गाइज मैं अपने अंडर आई एरिया पे जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया उसे पैक करने के लिए ट्रांसलेशन पाउडर अप्लाई कर रही हूँ. देन गाइज मैंने यहाँ पे शुगर की फेस पैलेट पिक की है. इसका जो शेड है वो है 03. सबसे पहले मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, चिक बोन, जॉ लाइन, नोज, फोरहेड एंड देन मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी. गाइस कलर्स बहुत पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं. मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है एंड उसे डस्ट ऑफ करके ही आप अप्लाई करना क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है. ब्लशर अप्लाई करने के बाद गाइस सबसे पहले मैं अपना बेस सेट करूँगी देन मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी. वैसे हाइलाइटर भी बहुत पिगमेंटेड है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है बट जब भी हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना हमेशा सेट अपना बेस सेट करने के बाद ही करना चाहिए. इससे क्या होता है जो हमारा हाइलाइटर है ना बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन देता है. इसके बाद गाइस मैं अपने आईब्रोज डिफाइन कर लूँगी. इसके लिए मैंने आईब्रो डिफाइनर पिक किया है एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 जेरी ब्राउन. सबसे पहले मैं आईब्रोज को आउटलाइन कर लूँगी देन मैं उसे फिल कर लूँगी. मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. इसके लिए मैंने लिया है ड्यूअल आई शेडो एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 07 चिप्स एंड सालसा. इसमें वन साइड आपको एक मैट शेड मिल जाता है एंड वन साइड एक शिमरी शेड मिलता है. जो मैट शेड इसमें दिया है वो है न्यूड ब्राउन एंड जो शिमरी शेड है वो है हनी ग्लिटर. अगर आप बिगनर है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि अगर आपको आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता तो आपको सिर्फ एक मैट शेड अप्लाई करना है देन एक ग्लिटर शेड अप्लाई करना है. बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये. सो मैंने यहाँ पे मैट शेड जो है अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस किया है देन एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड इसके बाद मैंने ग्लिटर शेड अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर से लेके अपना मिड लिड तक. देन उसके बाद फिर से मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोनों को अच्छे से मर्ज कर दूंगी, ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि कोई शार्प लाइन नजर ना आए. इसके बाद गाइज मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, इट्स कॉलोसल ऑफ ऑनर इंटेंस काजल एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है डार्क ब्राउन 02. थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए मैं इसे एज ए आईलाइनर की तरह अप्लाई करूंगी एंड देन एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा स्मज आउट कर दूंगी. सेम काजल गाइज मैंने यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है एंड सेम ब्रश की हेल्प से मैं उसे थोड़ा सा स्मज आउट कर रही हूँ. इसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे मैंने आईलाइनर पिक किया, डबल मेट आईलाइनर एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्लैक स्वैन 01. बहुत ही कंफर्टेबल है गाइज, इसे बहुत ही इजीली आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद गाइज मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूंगी, इट्स अपटाउन कर्ल लेंथिंग मस्कारा. शेड है इसमें ब्लैक ब्यूटी 01. इट्स अ लेंथिंग मस्कारा एंड आप जब मैं ये मस्कारा अप्लाई करूंगी तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में. नेक्स्ट गाइज मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, इट्स मच मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक. शेड नंबर है इसका 01. बहुत ही ब्यूटीफुल मरून शेड है गाइज ये.
सो गाइज मेरे यहाँ पे मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है. मैंने एक बन बना लिया है एंड उसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल गजरा लगाया है. ज्वेलरी मैंने परचेज की है मीशो से एंड दिस इज माई फाइनल लुक. सो गाइज प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.